हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, आज हम फिश कड़ी बना रहे हैं। ये देखिए, ये रोहू मछली है, तकरीबन 1 किलो है नाप से। हमने इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया है, आप जैसा देख पा रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते हैं इसको। कई लोग इसमें सरसों का तेल भी डाल के मिलाते हैं, लेकिन जब मैं सरसों का तेल फ्राई करूँगी उसमें थोड़ी हल्दी मुझे कम लग रहा है, और डाल देते हैं। ये देखिए, हमारा ऑलरेडी मिल चुका है हल्दी। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए आपको फ्राई करके बताते हैं। तब तक हम फ्राई करते हैं, तब तक हम आपको इसमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या मसाला लगता है। ये हमने सूखी कुछ मिर्च ली है, और ये है सरसों, क्योंकि मस्टर्ड फिश कड़ी बन रही है तो सरसों तो बनता है। ये है हमारा फिश कड़ी का मसाला, स्पेशल मसाला खास, इसी से हमारा स्वाद आता है। थोड़ा सा मैंने हल्दी लिया है, थोड़ा नमक, थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर, ये सरसों का तड़का लगाने के लिए। गाइस, हमने प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, और लहसुन इसमें ज़्यादा पड़ता है क्योंकि अदरक डलती नहीं इसमें, इसलिए लहसुन हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और ये गार्निश के लिए धनिया। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। हमने फ्राई पैन ले लिया है, ये गर्म हो चुकी है। हम इसमें डालेंगे सरसों तेल, इतना तेल डालेंगे कि हमें 1 किलो तकरीबन फिश फ्राई हो जाए। तेल गर्म होने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। गैस तेल गर्म हो चुकी है, अब हम एक एक करके फिश इसमें डाल देंगे। एक बार नहीं डालना है ताकि ये रेहू हमें उड़ता है। अब देख पा रहे हैं, जितना आए इसमें डाल दीजिए। ठीक है दीदी, दोस्तों ये फ्राई हो चुके, फ्राई होगा तो हम निकाल लेंगे इसको। गाइस, ये हमने जितने भी मछलियाँ के पीसेस था हमने तकरीबन इस तरह डीप फ्राई कर लिया है, आप देख पा रहे हैं इसे। अब जो हमारा ये तेल बचा है ना, अब हम इसे में मसाला फ्राई करेंगे। अब जो इसमें तड़का जो लगाते हैं हम, वो जीरा का नहीं बल्कि राई का, जिसे सरसों भी कहा जाता है, उसकी तड़का लगती है। तो चलिए हम इसे तड़का लगाते हैं। तेल हमारा गर्म है, अब इसमें हमने सरसों डाल दिया है, सरसों चटक जाएगी तो हम इसमें मसाला डालेंगे। ये देखिए, हमारा सरसों जो है कढ़ाई में आपस में लड़ाई करने लगा है, यानी चटक रहा है। धीरे धीरे चटकने देते हैं, पूरी तरह से चटकने दीजिएगा, नहीं तो आपकी ग्रेवी जो है कड़वी लगेगी खाते समय। गाइस, पूरे ये चटक गया है, ये अब हम इसमें जो मसाला पीस के तैयार किया था वो हम डाल देंगे। क्या बढ़िया कलर आया है मसाला का। इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि हमारा पैन जो है तेल छोड़ने लगे। गाइज, अब ये मसाला देख पा रहे हैं अब मेरा भून चुका है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक स्वादानुसार, जितना ग्रेवी लाए रखते हैं आप, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी मैंने पहले भी डाला है इसलिए कम डाल रहे हैं, ये हमारा लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ी सी धनिया पाउडर। हम इसे अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे फ्राई के। इसमें मसाला हमारा ऑलरेडी तैयार है, भून चुका है आप देख पा रहे हैं। अब इसे हम ग्रेवी डालेंगे। ग्रेवी डालने के लिए हम इसमें पॉट ले लिए हैं, इसमें सारे मसाले को हमने ट्रांसफ़र कर लिया इस तरह, क्योंकि इसमें ग्रेवी आएगी नहीं ना दोस्तों। अब हम इसमें पानी डालेंगे।
अब आप जितना ग्रेवी रख सकते हैं गाढ़ा, उस हिसाब से आपने पानी डालना है इसमें। आप देख पा रहे हैं पानी डाल दिया है गाइस, ये देखिए आप मेरा पानी उबल रहा है इसमें मसाले वाली। अब हम इसमें गैस को स्लो करना है और उसके एक एक पीस करके डाल देना है तकरीबन। ये आप देख रहे हैं सारे पीसेस को इसमें डाल दीजिए। ध्यान रहे जब आप पीसेस डालेंगे उसके बाद आपको पूरा गैस का जो है फ्लेम लो ही रखना है, हाई नहीं करना, नहीं तो सारी मछलियाँ जो होती है ना, बहुत हमने पहले फ्राई कर लिया है ना, वो सॉफ्ट होती है, वो टूट जाएगी आपकी मछली। ध्यान रहिए इन बातों का। हमने तकरीबन सारी मछलियों को डाल दिया है, आप देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर इसका कलर आ रहा है, देखिए टेक्सचर इसका। गाइस देख पा रहे हैं मेरा मछली बनकर तैयार हो गया है, कितना बढ़िया कलर आया है इसका। अब हम इसे धनिया से गार्निश कर लेते हैं, धनिया से गार्निश कर लिया है हमने। तो आप भी मेरे ही मेथड से बनाइए और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको इसका ये रोटी के साथ खानी है तो इसे और गाढ़ी करनी पड़ेगी, अगर आप इसे चावल के साथ करनी पड़ेगी खानी है तो परफेक्ट मेरा ग्रेवी इतना ही चाहिए, आप देख पा रहे हैं। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।